रादौर के टेलीफोन एक्सचेंज के पास 5 जुलाई को हुए झगड़े के मामले में कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी ना किए जाने पर भड़केपाल मोहल्ला के सैकड़ों लोगों ने आज पुलिस थाने का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ लोगों की कई देर बहस भी हुई, जिसके बाद महिलाएं थाने के गेट के आगे बैठकर धरना देने लगी। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद लोगों ने धरना समाप्त किया और ये चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की तो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 5 जुलाई 2024 को जी, तो उसमें ना जी 5:30 के आसपास ये झगड़ा हुआ जी। उसमें हमारे बच्चे को ना जी बड़ी बेरहमी से कैंचियां मारी गई जी, और उस कैंचियां मारने के दौरान जी हमने अपने बच्चे को ले गए हॉस्पिटल में उठा के, उन्होंने वहां से उसको रेफर कर दिया जी यमुनानगर सिविल में जी। सिविल के बाद उन्होंने बच्चे को रेफर कर दिया PGI। फिर हम अपनी मर्जी से जी उसको ले गए वहां गब्बे में ले गए जी। बच्चे की हालत उतनी नाजुक थी उस टाइम, उसके अंदर 3-4 ग्राम खून था जी। वहां इलाज करवाया जी उनका। इलाज के बाद जी यहां पे पर्चा दर्ज कराने की कोशिश करी तो किसी भी कारण हमारा पर्चा नहीं दर्ज किया गया जी। बड़ी मुश्किल से घूम फिर के SP साहब को मिले जी हम। SP साहब ने कहा भाई इनका पर्चा दर्ज करो। बड़ी मुश्किल से जी हमारा 11 तारीख को पर्चा दर्ज हो गया 307 का जी। अब उसके बाद जी 15 दिन हो गए जी इस बात को, गिरफ्तारी नहीं हो रही एक भी बंदे की जी। हम डेली थाने में आते हैं जी, पुलिस का आश्वासन दिया जाता है भाई कल करेंगे परसों करेंगे, 2 घंटे का टाइम 24 घंटे का टाइम। सारी हमारी जो हमने प्रयास करे जी ना सफल हो गए जी। आज भी हमारे सारा समाज इकट्ठा होकर आया जी, धरने पे बैठने के लिए आया जी। आज भी SHO साहब ने हमें 4 बजे तक का टाइम दिया है कि किसी भी तरीके से हम उनको ढूंढ के लाएंगे। अब देखते हैं जी, हमारी तो यही गुजारिश है, हमें न्याय चाहिए जी, उनकी गिरफ्तारी चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम धरना देंगे जी, और इससे भी ज्यादा संख्या में लोग बढ़ चढ़ के आएंगे जी, और शहर से अपील करेंगे भाई दुकानें बंद कराने की कोशिश करेंगे जी, भाई हमें न्याय चाहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे रहेंगे जी। ये ऐसे जी 5 तारीख को ये गुडरिया समाज का लड़के का चोट मार दी, नाई हुए लड़का, उसका FIR नंबर 167/307 IPC मुकदमा दर्ज है, और उसमें 4 आरोपी हैं। 4 में से 1 की कल अग्रिम जमानत होगी माननीय न्यायालय से, और 3 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं। वो अरेस्टों के बारे में ये ऐसे तो मेरे से मिलने के लिए आए थे, उनको जल्दी जल्दी अरेस्ट करो, तो उनके बारे में इनको मैंने 2 दिन का समय मांगा है इनसे, और जल्दी जल्दी अरेस्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इनके नहीं, इनके बंदे के जो लड़के का चोट लगी चोट लगने के बाद है, वो अनफिट चल रहा था, डॉक्टर ने बयान देने के काबिल नहीं लिखा। जिस दिन बयान देने के काबिल लिखे उसी दिन पर्चा दर्ज कर दिया उनके बयान पे। अभी 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन के अंदर उनको पूरा प्रयास करें अरेस्ट करने का। एक ही परिवार के इनके दोनों के घरों के ताले लगे हुए हैं, घर पे कोई भी नहीं।